ये बड़ी खबर बिहार के नालंदा से 150 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिर गया। घटना नालंदा थाना क्षेत्र के फूल फतेहपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि छोटकी एहरा खंदा में खुले बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। इधर बोरवेल में बच्चा गिरने की सूचना मिलते प्रशासन दल बल के साथ मौके पर रेस्क्यू अभियान में जुटा था। जेसीबी से जमीन की खुदाई की जा रही थी। अब तक 15 फीट की खुदाई की जा चुकी है। बच्चा 50 फीट पर फंसा है। बच्चा कुल फतेहपुर स्थित महादलित टोला निवासी डोबा भाजी का 4 साल का बेटा शिवम माझी है। पिछले 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों के अनुसार बोरवेल से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई कर बच्चे को सकुशल रखने की कोशिश की जा रही है। डीएम शशांक शुभकर ने कहा कि अभी 5-6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन और चलेगा। तो ये खबर बिहार में एक बच्चे के बोरवेल में फंसने की है। बच्चे का नाम शिवम माझी बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और कोशिश की जा रही है बच्चे को बाहर निकालने की। रेस्क्यू टीम ने बताया कि बच्चा अभी जिंदा है। उसके रोने की आवाज आ रही है। उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। कोशिश की जा रही है बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन 5-6 घंटे ये ऑपरेशन अभी भी चलेगा।